कैसे हो आप सब। आज मैं आपको ASC मुंबई का पूरा फेज़ टू का रिव्यू बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, कितने बच्चे इन हुए हैं, कितने बच्चे आउट हुए हैं और GD टॉपिक क्या था। ठीक है, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप देखिए, सबसे पहले जो बच्चों की रिपोर्टिंग थी, 230 बच्चों की इसमें रिपोर्टिंग थी, जिसमें से फिज़िकल में सिर्फ जो पास कर पाए 180 बच्चे ही फिज़िकल में पास कर पाए। ठीक है, और इसमें आपका जब 180 बच्चों का पास हुआ, फिर आपका इसके बाद 10 पुशअप्स लिए गए, 10 सिटअप्स लिए गए और 20 स्क्वाट्स लिए गए। ठीक है, इसमें कोई बच्चा आउट नहीं हुआ था स्क्वाट्स वगैरह में। फिर इसके बाद आपका हुआ था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 बोलते हैं हम, AT1। इसमें आपको 30 मिनट्स दिए गए थे और 45 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, और सलाह दूंगा 45 के 45 करके आना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसके बाद जो थे आपके, इसमें SRT में 20 बच्चे बाहर कर दिए गए थे इसमें भी। और फिर हुआ था आपका एबिलिटी टेस्ट 2। अब आती है मेन GD टॉपिक की, जो है आपका GD हुआ था। ठीक है, GD टॉपिक इसमें जो आपको मुंबई में मिला गया था, वो आपका एक ईव टीजिंग था। ये नया टॉपिक है कोई, ईव, EVET ESING। ठीक है, ईव टीजिंग एक बार देख लेना। और रिजर्वेशन सेकंड टॉपिक था। रिजर्वेशन आप जानते हो कॉमन टॉपिक है, तो इसे तो आपको पढ़ के जाना ही है। ठीक है, जैसे रिजर्वेशन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका वोमेन एम्पावरमेंट, ये कुछ टॉपिक है जो पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इन टॉपिक को पढ़ लेना। तो GD में ओवरऑल जो उस दिन पास हुए बच्चे, सिर्फ 120 बच्चे ही पास कर पाए 230 बच्चों में से। तो 120 बच्चे ही पास कर पाए जो मेडिकल के लिए भेजे जाएंगे। और इन्हें जो डेट मिली है वो 9 जनवरी मिली है मेडिकल की। ठीक है, और इन्हें रात के 10 बजे छोड़ा गया था। एक बात बता दूँ, तो सुबह 5:30 बजे रिपोर्टिंग थी और रात के 10:30 बजे इन्हें छोड़ा गया था। तो इतना लंबा समय लग जाता है, तो अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सारे साथ लेके जाना अच्छे से, जो आपको जरूरत ना पड़े बार बार जाने की। ठीक है, तो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।